राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। मार्च की शुरुआत में भले ही ठंडक रही हो, लेकिन मार्च के आखिरी बचे दिनों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। इस दौरान कभी आंशिक तौर पर बादल देखने को मिलेंगे तो कभी चमकदार धूप खिलेगी। अगर 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रह सकता है। बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन देखा गया। बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी का अधिकतम तापमान बढ़कर 33.6 डिग्री हो गया। ये सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। पीतमपुरा सबसे ज़्यादा गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 26 से 89% देखा गया। पूर्वानुमान की माने तो गुरुवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की कमी आ सकती है। ये कम होकर 32 डिग्री पर सिमट जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। 22 मार्च को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। 23 और 24 मार्च की बात करें तो इस दिन भी आंशिक तौर पर बादल देखे जाएंगे। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रह सकता है। अब बात करें 25 तारीख यानी कि होली की तो इस दिन फिर से आसमान साफ रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रह सकता है। 26 मार्च को आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है। अब बात करें स्काईमेट के वेदर फोरकास्ट की तो स्काईमेट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पश्चिमी हिमालय के करीब आ रहा है। इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का एक नया दौर शुरू होगा। इसकी वजह से दिल्ली और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। 24 मार्च को दिल्ली और इससे लगते हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हल्की बारिश और बादल दिख सकते हैं। गर्मी में कोई कमी नहीं आएगी। 26 और 27 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसकी स्थिति साफ होने के लिए अभी 1-2 दिन का इंतजार और करना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।